आज की ये वीडियो जिसने पूरा देख लिया और जो मैं टेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ खुद हो गए ये टेस्ट। आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद हो गए टेस्ट। लास्ट में ऐसा बताऊँगा जो डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करा लो, छोटा सा टेस्ट होगा बस, उसके लिए 10-20 रुपये का होगा, ज़्यादा रुपये नहीं लेते उसका। ये खुद टेस्ट करके देखो, इनके रिजल्ट मैं बताऊँगा आपको, कहाँ आपकी कमी है, कहाँ आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से हो रही है, किस कारण से हो रही है, पैर में क्यों दर्द बनता है, सांस लेने में क्यों दिक्कत होती है, अच्छे से आप रनिंग क्यों नहीं कर पाते। सिर्फ इसी टेस्ट है जो मैं बताने वाला हूँ। शायद ही यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो होगी जो आपकी बॉडी का ऐसे टेस्ट ले इस तरीके से। आप ध्यान से समझो क्या करना है। सबसे पहले रनिंग में किस चीज़ की दिक्कत होती है, सांस लेने की, क्या चीज़ करना है। पहले ईजी टेस्ट स्टार्ट करेंगे, फिर बढ़ाते चलेंगे टेस्टों को। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको सांस लेना है, ब्रीथ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको होल्ड करना है। होल्ड करके अपनी काउंटिंग देख लो, अभी सुनो, अभी तो छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे लेवल से टेस्टिंग। अपनी काउंटिंग देख लो और उसे या तो एक पेज पे लिख लो या कैसे लिख लो कि मैं कितने सेकंड ब्रीथ रोक पा रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी कितनी है। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती रोक रहे हो, नहीं, जब आपको थोड़ा सा भी सांस टाइट हो गया ना, वहाँ वहाँ ब्रेक मारना है मेरे को। जैसे मेरे को लगा यहाँ बस टाइट हो गया, तो यहाँ छोड़ देना है और यहाँ पे देखना है मेरे को 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, कितने मिनट हुआ, लिख लो, काउंट कर लो। दूसरा टेस्ट, यहाँ पे हाथ लगाओ, देखो ये मेरी ये दिख रही है ना आपको अच्छे तरीके से, इस तरीके से ऐसे हाथ लगाओ, धड़क धड़क काउंट हो रहा होगा, करेक्ट। 15 सेकंड तक इसे इस बीट को काउंट करो, नॉर्मल करना है और रनिंग के समय करना है। एक रनिंग के समय, जैसे मान लो आप रनिंग कर लिए, जैसे रनिंग ख़त्म हो गई, रनिंग करते ही इसको चेक करो, और एक नॉर्मल जैसे कि आप घर पर बैठे वीडियो देख रहे होंगे, जैसे भी आपका है, ठीक है। दो टेस्ट, तीसरा टेस्ट, आप कितने घंटे सोते हो पूरे दिन में, लिख लो कितने घंटे सोते हो, ये टेस्ट है, ठीक है, छोटी वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। दूसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, आप जो भी कुछ खाते हो उस, देखो एक चीज़ समझो, पहले ये टेस्ट करने से पहले समझो, डकार आना या गले में जलन होना, यहाँ जलन होती है, जैसे खाना खाने के बाद जलन होती है ना, यहाँ जलन होना, पेट दुखना, ठीक है, ये चीज़ है तो लिख लो, पॉइंट बना लो कि मेरा पेट दुखता है, जैसे डेली दुखता है, कभी कभार दुखता है, ये रनिंग करते वक्त भी पेन होता है, ठीक है, साइड में रनिंग करते समय या साइड में दर्द होता है, कॉमन बात है, होता है ना साइड में दर्द, क्यों होता है, या तो आप रनिंग करने से पहले कुछ ना कुछ खा के जाते हो, ठीक है, तो देख लो अगर तुम कुछ खा के जाते हो तो उसकी वजह से होता है, ज़्यादा खा के जाते हो, हल्के फुल्के से कुछ नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। तो आप लिखो लिखो इन चीज़ों का, मैं आपको बताऊँगा क्या करना है, मैं खुद इनका रिजल्ट बताने वाला हूँ आपको लास्ट में, ठीक है। दूसरा टेस्ट क्या करना है आपको, ये देखना आपके अंदर फुर्ती कितनी है, समझ रहे हो, फुर्ती कितनी, ये कैसे पता लगेगा, खुद पता लग जाता है आपकी एक्टिविटी से। आप डेली जो वर्क कर रहे हो, वीडियो ध्यान से समझ लो, इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया, मेरे ख्याल से आपको और कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको पता लग जाएगा आपकी रनिंग में कमी कहाँ आ रही है, किस वजह से आ रही है, ठीक है। एक्टिविटी जो आप करोगे ना पर डे, रनिंग कर रहे हो, रनिंग के बाद थकावट होती है, उस थकावट में भी तुम वर्क कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, रेस्ट करते हो, नींद लेते हो, वो लिख लो। ये जो लिखने वाली चीज़ है ना, जैसे ब्रीथ वगैरह, ये अलग लिखना, और जो वैसी चीज़ है जैसे पेट दुखना, ये दुखना, वो अलग लिखना, ठीक है, ये इस साइड ऐसे लिखना और इस साइड इस तरीके से लिखना। एक और टेस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे दिल पे हाथ रखना है इस तरीके से, ठीक है, आइज क्लोज करना है 15 सेकेंड के लिए, ठीक है, 15 सेकंड तक आपके माइंड में ना टाइम सोचना, 15-20 सेकंड जैसे भी आपको अंदाजे थे, यहाँ पे हाथ रखना है, आइज क्लोज करना है, माइंड में कुछ नहीं चलना चाहिए, कुछ भी अगर आपके माइंड में चल रहा है फिर भी, ऐसे हाथ रखने से और आँख बंद करने से माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है तो वो लिखो कि हाँ माइंड में फिर भी कुछ चल रहा है, और नहीं भी चल रहा तो भी लिखो कि नहीं चल रहा, रिलैक्स है, बिल्कुल शांतिपूर्वक, और फिर धीरे धीरे आँख खोलो, ठीक है, ये करो। ये टेस्ट है नॉर्मल, ये टेस्ट का मेरे को फ़ोटो भेज दो, इंस्टाग्राम पे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे इसका मैं आपको बताऊंगा कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ रही है। आप इसको भले ही आप हल्के में ले रहे हो, पर ये सच्चाई है, हर रनर जो एथलीट्स होते हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर चेक करते हैं। एक और टेस्ट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट रह रहे हैं, एक और टेस्ट, रनिंग में कितना मन लगता है,
कौन सा इवेंट करने में ज़्यादा मन लगता है? जैसे एग्जांपल आप 1600 की तैयारी कर रहे हो, पर लेकिन फिर भी एक रेस ऐसी होती है जिसको उस चीज़ में मज़ा आता है, ठीक है, वो चीज़ टेस्ट करके ये सब लिख के एक और चीज़ टेस्ट करना है। पहले इसका मेरे को फोटो भेज देना इंस्टाग्राम पे। अब एक और चीज़ मेन टेस्ट करना है, डॉक्टर के पास जाना है, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना है, ठीक है, आपका ब्लड परसेंट देखा जाएगा कितना, उस चीज़ का मेरे को फोटो भेज दो या जैसे भी करना, उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको, कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ की आपकी प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा मेरी तरफ से। ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है उसका चार्ज लेता हूँ मैं, क्योंकि इसमें पर्सनली डेली सिखाना पड़ता है, वर्कआउट कराना पड़ता है, सब कुछ कराना पड़ता है, ठीक है, उस चीज़ का चार्ज होता है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको इस चीज़ से, इन चीज़ों के सुधार लोगे ना, बहुत सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।